तो ये है मारुति की अर्टिगा और ये सीएनजी आ रहा है, एक पेट्रोल आ रहा है। जिसकी जेब में 10 लाख रुपए है वो इस गाड़ी को अगर आप वो लगवा लेते हो तो उस पर आपका चालान हो सकता है। अर्टिगा सीएनजी फिटेड भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि 4 महीने का इस पे चल रहा है वेटिंग, चल रहा है 11,20,000। 20,000 कंपनी ने और बढ़ा दिए। 7 सीटर गाड़ी है, 26 का माइलेज है इसका सीएनजी पे। एलॉय व्हील की डिमांड करते हैं जो वो अलग से लगते हैं। अच्छा, एलॉय व्हील वगैरह की डिमांड होती है। ये शोरूम में लगकर गाड़ी एकदम फिट होकर फिर ये डिलीवरी होगी इसकी। और मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मेरे पास स्विफ्ट डिजायर में चलाता हूँ अभी, तो स्विफ्ट डिजायर को लोग बोलते हैं गाड़ी बहुत जबरदस्त है, लेकिन बस एक ही गड़बड़ है उसमें, बिल्ड क्वालिटी। क्या अर्टिगा में कुछ चेंज किया? स्टीयरिंग तो पूरा चेंज हो गया। ये देखिए, ये स्टीयरिंग का सीटिंग कम्फर्ट है वो पहले से बहुत कंफर्टेबल सीट है इसकी। सीटिंग कम्फर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, सीटें और ब्रॉड लग रही है मुझे स्विफ्ट डिजायर के मुकाबले। ये सिस्टम ये चेंज किया है, ग्लास होल्डर्स दिए हैं यहाँ पे, और ग्लास होल्डर के अंदर भी एसी दिया गया है, उसको भी आप चिल्ड कर सकते हैं। आपका ग्लास रखा होगा, यूएसबी पोर्ट है, ऑक्स केबल है, और ये सिगरेट लाइट करने का जरूरत है। यहाँ पे कुछ चार्जिंग वगैरह नहीं होती होगी ना? नहीं, सॉकेट आ गई है। बस यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल रख सकते हैं। बाकी इंटीरियर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम न्यू मॉडर्न। लुकिंग चेंज कर दिया है ये गाड़ी की, गाड़ी का लुक चेंज कर दिया है। जो पुरानी अर्टिगा आती थी उससे तो अभी काफी चेंज हो गया पूरा। पुरानी अर्टिगा ऐसी थी कि वो स्विफ्ट डिजायर को लंबा कर दिया है बस। अब वैसा नहीं है। एसी वेंट्स भी यहाँ पे दिए गए, लाइट ऑन ऑफ। ये यहाँ पे स्पीकर दिख रहा है मेरे को, ब्लूटूथ कनेक्ट करके अच्छा आप यहां से बात कर सकते हो। वाटर बॉटल होल्डर बहुत बड़ा स्पेस दिया गया यहाँ पे, अच्छी खासी बॉटल यहाँ आ जाएगी। क्रोम फिनिश के साथ ये देखिए आप हैंडल दिए गए हैं ऑटोमेटिक। ये यहाँ पे है विंडो का, और ये चारों विंडो कंट्रोल। उसके बाद ये राइट और लेफ्ट है, ये यहाँ पे साइड मिरर्स को कंट्रोल करने वाला। 11,20,000 रुपए में ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाएगी। वॉल्यूम प्लस डाउन, और ये मोड्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। म्यूट का ऑप्शन दिया गया है, कॉल रिसीव का ऑप्शन यहाँ दिया गया, ब्लूटूथ का ऑप्शन यहाँ दिया है। तो ये है मारुति की अर्टिगा। अब मेरे को सिटिंग कंफर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बैठ रहा हूँ मैं एकदम रिलैक्स। यहाँ पे एक प्लग दिया गया है, यहाँ पे आप लोग चार्जिंग का लगा सकते हैं और सिगरेट लाइट का लगा सकते हैं। गाड़ी की जो क्वालिटी है ना इंटीरियर की, वो मुझे पुरानी जो अर्टिगा थी उससे थोड़ा इनहेंस लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी को और लग्जरी के साथ साथ ये कर दिया है भाई, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी की है, स्टेयरिंग वगैरह ऐसा लग्जरी फील आ रहा है। और 10 लाख रुपए में क्या चाहिए भाई, 26-27 का एवरेज है सीएनजी पे। कितना चलाना है चलाओ, एसी में बैठो गर्मियों में, सर्दियों में हीटर पे बैठो, पार्टी करो, दोस्तों के साथ घूमो, जहां ले जानी है ले जाओ। बस बिल्ड क्वालिटी लेके थोड़ा सा इशू है, वो मैं अभी तक श्योर नहीं हूं कि सबसे बहुत अच्छी कर दी गई है, लेकिन गाड़ी का लुक इतना अच्छा प्यारा आ रहा है कि आप बाहर से देख के ऐसा लग रहा है कि काले कांच मार दिए भाई, बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक सीएनजी आ रहा है, एक पेट्रोल आ रहा है, और सीएनजी का यहाँ पे दबा के रखोगे तो सीएनजी पे आ जाएगी गाड़ी। अच्छा, तो यहाँ पे स्विच दिया गया है कि स्टार्ट पेट्रोल पे होगी, स्टार्ट पेट्रोल पे होगी, और पेट्रोल अगर आप सीएनजी पे चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर प्रेस करके रखना बटन। अच्छा, सीएनजी पे आ जाएगी गाड़ी, मतलब गाड़ी सुबह सुबह या फिर हर बार ही, ये सुबह सुबह ही नहीं, कभी भी स्टार्ट करोगे पेट्रोल पे होगी गाड़ी स्टार्ट। ये इसलिए दिया गया है कि ताकि लोग बोलते हैं ना कि जो इंजन में गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे इस बटन को आप लोग लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो उसके बाद गाड़ी कन्वर्ट हो जाएगी सीएनजी पे। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं अच्छे से, पेट्रोल आ रहा है, सीएनजी आ रहा है, दोनों फ्यूल दिखाई दे रहे हैं। स्पीडोमीटर एनालॉग जो है वो भी आप लोग नजर मारिए एक बार, ये व्हाइट कलर की लाइट इसमें दी गई है, नाइट के समय में और आपको अच्छी फील ये कराएगा। चारों तरफ से ब्लॉर्स, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ तक पूरा ब्लॉर दिया गया है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, यहाँ पे ब्लॉर है एक, यहाँ पे है इतना, है इतना इतना डिस्टेंस पे, यहाँ पे ब्लॉर है यहाँ पे। लेकिन गाड़ी का अंदर जो ब्लॉर्स के सिस्टम दिए गए हैं, पीछे भी देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कि पूरी की पूरी गाड़ी एक बार अगर ऑन किया उसको तो वो चिल्ड हो जाएगी, गाड़ी चिल्ड हो जाएगी, उसमें कोई इशू आने वाला नहीं। ये सिस्टम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ है, प्लस माइनस, ये कोई बटन नहीं है, ये स्क्रीन टच जैसा फील मुझे करा रहा है। ट्यून ट्रैक है, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, रेडियो मीडिया सेटअप पर, और ये इसके अंदर स्पेस रखने के लिए। यहाँ पे मिरर दिया गया है, एयरबैग्स दिए गए हैं, और यहाँ पे फिलहाल तो कुछ भी आप लोग रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह। मतलब मुझे तो जबरदस्त लगी, आप 11,20,000 बोल रहे हैं, अगर अच्छे से देखा जाए तो 10 लाख पकड़िए एक राउंड ऑफ की, मतलब 10 लाख की रेंज होती है। हाँ जी सर, जिसकी जेब में 10 लाख रुपए है वो इस गाड़ी को अपना बना सकता है। हाँ, दूसरी बात है फाइनेंस भी करा के 3 लाख रुपए तक डाउन पेमेंट आ जाएगी।
अच्छा फाइनेंस भी हो सकता है तो 3 लाख तक डाउन पेमेंट करके भी गाड़ी ले सकते हो। हाँ मिनिमम डाउन पेमेंट 3 लाख तक अगर आप करें तो फाइनेंस हो सकता है गाड़ी पे, इजीली हो जाएगा फिर तो। आजकल तो बहुत फाइनेंस वाले तो बहुत दे रहे हैं, बैंक वाले थोड़ी दिक्कत करते हैं। इसकी जो टैंक है सीएनजी टैंक कितने में फुल होता होगा आज? 300-350 रुपए में? 400 रुपए तक हो जाता है। 400 रुपए में टैंक फुल हो जाएगा। 12 लीटर का सिलेंडर है इसका। ये 12 लीटर का सिलेंडर यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ये सीएनजी सिलेंडर है। तो 12 का 12 पूरा आ जाती होगी गैस? नहीं नहीं 9 लीटर आती है। 9 लीटर आ जाती है, 9 किलो गैस 9 किलो गैस आने के बाद ये 26-27 का 1 किलो पे दे रही है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 240 किलोमीटर। और आज की डेट में तो बोल रहा हूँ भाई पेट्रोल डीजल डाल डाल के जो थक गए होंगे, बहुत परेशानी है। डीजल भी ऐसा लगता है कि 500 रुपए का डीजल जा रहा है रोज। सेमीकंडक्टर चिप शॉर्ट हो रही है इंडिया में जो। अच्छा, ताइवान से प्रोडक्ट आ रही है तो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई है। कुछ ऐसी कस्टमर को ये कंप्लेन आई है क्या कि गाड़ी लेने के बाद 5-6 महीने में भाई सीएनजी सिलेंडर में दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में? नहीं सर, कंपनी फिटेड सीएनजी में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी ऐसा फीडबैक नहीं है हमारे पास। कंपनी फिटेड का यही फायदा होता है भाई, कंपनी फिटेड सीएनजी लोगे ना आप गाड़ी तो उसमें आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वारंटी भी मिलेगी। अच्छा वारंटी भी मिलेगी। तो ये है भाई गाड़ी का लुक बैक साइड से। कुछ किट आती होगी, मतलब गाड़ी मैंने खरीद ली कि गाड़ी के अंदर फ्लोरिंग करवानी है, सीट कवर डालने हैं, म्यूजिक। एडिशनल कॉस्ट है सर 30-35 हज़ार की किट आती होगी। हाँ जी, मैंने स्विफ्ट डिजायर में वही किया था, बेस मॉडल लिया, 30 हज़ार रुपये की किट डाली तो वो उसको टॉप क्लास बना दिया भाई। तो ऐसा इसके साथ भी ऑप्शन आता है। अच्छा ऊपर का रूफ का कुछ बता सकते हैं आप? फुल फैमिली जा रही है, लगेज है? नहीं सर वो नहीं लगा सकते, वो उसका परमिशन लेनी पड़ेगी आरटीओ से। आरटीओ से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आप वो लगवा लेते हो तो उस पर आपका चालान हो सकता है गाड़ी का। अच्छा 60-40 इसको एडजस्ट कर सकते हैं सीट को अभी भाई साहब ने जो ऐड, ये पूरा एकदम लास्ट तक ले गए आप इसको? नहीं, नहीं इसके बाद भी बैंड होगा और हो जाएगा। अरे वाह, यहाँ पे बटन है इसको प्रेस करके ऊपर नीचे। तो ये बैठ गए भाई, मेरा लेग देख सकते हैं, लेग स्पेस काफी है, आगे पीछे भी होगी शायद ये, आगे पीछे भी सीट आप कर सकते हैं सीट को ऐसे। फिर बहुत ही कंफर्टेबल है, पुरानी वाली से तो मेरे को काफी कंफर्टेबल लग रही है। ऊपर रूफ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आप भाई सीएनजी डालो, फैमिली को बैठाओ और जहाँ जाना है जाओ, आराम से घूमो फिरो, ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं है, महीने में आप 10 हज़ार रुपये का डीजल फूक रहे हो तो सच बता रहा हूँ मैं, आपका कॉस्ट आधे से भी कम हो जाएगा जितना ट्रेवल आप कर रहे हो इस गाड़ी को लेकर। आर्म रेस्ट भी यहाँ पे दिया गया है, एकदम कंफर्टेबली यहाँ पे बैठकर मैं अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकता हूँ। और ऐसा हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई और लॉन्ग ड्राइव लेके चलो, जितना 500 नहीं 600-700 किलोमीटर लेके चलो। और अगर स्पेस चाहिए लगेज के लिए और आप लोग कम हो अगर तो पीछे की सीट भी फोल्ड हो जाती है, फोल्ड हो जाएगी सीट और उसमें आप लगेज स्पेस आपका बढ़ जाएगा। वैसे कितना लीटर का होगा अगर फोल्ड नहीं किया जाए तो? 170 के आसपास है बूट स्पेस, ये स्पेस आपको मिलेगा। सीएनजी किट भी ढक जाएगी भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा फ्लैट हो जाएंगी, वो थोड़ा हमने पीछे किया था। वाह कितने सूटकेस बैठा लो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना भी लॉन्ग ड्राइव जा रहे हो आप। ऐसे अगर मैं मुंबई तक ट्रेवल करता हूँ, अगर मेरी बात माने, मैं इतने सामान होता है मेरे पास, गाड़ी पूरी भर जाती है बैठ जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4-5 सूटकेस तो आ ही जाएंगे आराम से। ग्लास होल्डर भी दिए गए हैं पीछे। पेट्रोल और सीएनजी भरने का जो नॉब है यहाँ पे होगा, ये लेफ्ट साइड में दिया गया है। जो फिनिशिंग जो देख सकते हैं आप लोग, जब गेट बंद हुआ ना तो वैसी आवाज नहीं आ रही है जैसे जन्नी आवाज आ रही है। हाँ एक वो कान को लगती है। हाँ, वो आवाज नहीं आ रही एकदम, जो रबड़ है ना अच्छे से काम कर रही है उसका, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब कोई गाड़ी ऐसे गेट बंद करते ना, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये अच्छा है यार, मतलब 10 लाख रुपए में क्या चाहिए। और आप फैमिलियर पर्सन हो, सबसे बेस्ट ये ऑप्शन आपके लिए रह सकता है आज की डेट में, सीएनजी फिटेड अर्टिगा मारुति सुजुकी। तो हमारे साथ हैं निशांत शर्मा, निशांत शर्मा भाई हमारे साथ हैं,
आज के ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलूट, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।